ऊपर है झाड़, नीचे है पहाड़, आप लोग कर रहे हैं माँ नर्मदा जी में नौका विहार। भाई साहब पानी पे हाथ नहीं डालो, हाथ गीला हो जाता है। जो नहीं जोड़ता हाथ उनके बाहर निकल आते हैं दांत, इसलिए जो हो बोले ना। गाइस देख रहे हो कैसे कमेंट्री हो रही है, इसको तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में लेना चाहिए। वही का मूवी है मोहनजोदड़ो, 15 फट का मगरमच्छ रहता है, मगर को रेतक मारता है, बाकी तो डुप्लीकेट मगर था, सही का मगर होता रेतक भाई साहब का पता नहीं होता। ये दानी करोगे कमेंट है भाई साहब? नहीं बोलते हैं भाई साहब, केवल नाव चलाते हैं। नहीं, उनका शादी हो गया है। आई थी करीना 2003 मई का था महीना, तभी से लेकर रहा बोर्ड वालों का पसीना पसीना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इससे पहले आपने देखा होगा कि भेड़ाघाट का वीडियो दिखाया था, और हम और फिर इसके बाद हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं पंचवटी जाएंगे, और जो भेड़ाघाट के बगल से ही है, और वहाँ पास जो नाव चलते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो नाव का भी देखेंगे क्या है, और वहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो चलिए वहीं चलते हैं। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। तो गाइस ये है नौका विहार का प्रवेश द्वार, और यहीं से देखिए इस साइड भी दुकानें सजी हुई हैं, और दोनों साइड दुकान सजी है, एक तो कॉरिडोर टाइप का बना है, यहाँ से नीचे जाना है नदी साइड, और ये नर्मदा नदी में ही है, और ये कॉरिडोर बना हुआ है, पीछे देख सकते हैं दुकानें सजी हुई हैं। तो गाइस थोड़ी और दूर बचा है, काफ़ी नीचे जाना पड़ता है। तो सो गाइस फाइनली हम नौका विहार जो पंचवटी है वहाँ पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ बोट के माध्यम से आप नर्मदा नदी में सैर कर सकते हैं, और यहाँ का टिकट है 100 रुपये, और देख सकते हैं इस साइड से हम आए हैं, और इस साइड नर्मदा नदी है ये देखिए, और यहाँ पास टिकट काउंटर है, वहाँ पास चलते हैं टिकट कटा के। कहाँ 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 घुमाएंगे भैया? ये भारत का जो नक्शा है ना, इसके आगे जाएगा बोट। अच्छा, भारत के नक्शा में समय 30 से 35 मिनट रहेगा। सो गाइस ये नक्शा है, और इसी नक्शे में जो बोट जाता है उसी नक्शे में जाएगा, तो चलिए हम चलते हैं। सो गाइस हम टिकट कटा चुके हैं, अब जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए, और ये रहा नाव। ये बोट है, और इसी बोट में बैठ के हम जाने वाले हैं। तो गाइस हम बोट में बैठ चुके हैं, ये है नर्मदा नदी, अब जा रहे हैं यहाँ सैर करने। सो गाइस यहाँ पास हमको मध्य प्रदेश पुलिस के हेड कांस्टेबल मिले हैं, और वो पूरे परिवार के साथ आए हैं घूमने के लिए, ये देखिए। सर अपने घूमने का समय 30 मिनट। जोदाड़ों की शूटिंग कहाँ पे हुई थी? वो बहुत अंदर है सर, वो बंदर कुटिया पे। भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, पार्वती मैया की जय, रोड में बैठने वाले सर मैडम भैया की जय। अभी तो हुआ एंट्री, थोड़ा आगे से करेंगे काम एंट्री। अरे बाप रे, आएगा मार्बल का साइड, ऑटोमेटिक बोलेगा गाइड बैठो एकदम टाइट, और देखो चारों साइड। अभी आप लोग ऊपर में देखो हरे हरे झाड़, ऊपर है झाड़, नीचे है पहाड़, आप लोग कर रहे हैं माँ नर्मदा जी में नौका विहार। थोड़ा आगे से यहाँ के बारे में जानकारी मिलेगा, आप लोग जो वीडियो वगैरह बना रहे हो ना, मोबाइल वगैरह पकड़ के रखना, बहुत से जगह नदी पे। जी जी, 199 चले गए हैं, 200 होना बाकी है, आज नहीं करना। किस साइड जाएंगे भैया? इस साइड, उस साइड, इस साइड, इस साइड। हाँ तो गाइस हम इस साइड जाने वाले हैं, और चट्टानों के बीच से जो नर्मदा निकली है, और इस साइड बहुत ज़्यादा पत्थर वाले पहाड़ हैं, ये देखिए। हाँ तो सर मैडम जानकारी दे, कमेंट्री वगैरह। ये देखो साइड से स्काई ब्लू मार्बल, हल्का नीला लाइट ब्लू, यहीं से होती है बोट की कमेंट्री शुरू। इस साइड है मार्बल लाइट ब्लू, ये पलट कर देखो दूसरी साइड मार्बल है ब्लैक एंड वाइट। ये मार्बल तो काली मिट्टी लगने से काला, तोड़ेंगे तो वाइट, फिर बोलते मार्बल काला है तो क्या हुआ। सामने साइड गड्ढे का एक शूटिंग निकाला हिंदी पिक्चर, फिल्म का नाम प्राण जाए पर बचन न जाए। यहीं पर आए थे सुनील दत्त, प्रेमनाथ, रेखा। सुनील दत्त ने प्रेमनाथ को उठा उठा के फेंका, मारते मारते कर दिया गड्ढा, पत्थर बेंड हो गया।
इस साइड बहुत ज्यादा पत्थर है। अभी देखना भैया ये सामने देखो पिंक मार्बल, पिंक मार्बल बतलाते नहा के बैठी थी रेखा, रेखा की साड़ी का कलर देखा उतनी जगह पिंक हो गया। कच्चा मार्बल हो गया पक्का, देखने में लग रहा अच्छा, बाजू पे मछली पकड़ रहा रेखा के चक्का। अभी तो देख रहा है वो देख रहा है सामने पे आ गई है नेचुरल भूल भुलैया, बताइए किस साइड जाएगी भैया। ये नेचुरल भूल भुलैया है, गाइड सही बताने वाले को बम्पर प्राइज। मगर भी है नदी में, मगर देखना है ये देखो गोल्डन मार्बल ऊंचा पहाड़, यही का सेकंड मूवी है जलजला, कलाकार है धर्मेंद्र डेनी इसी पहाड़ी से जंप लगाते, बाकी वो जंप नहीं लगाते उनके डबिंग कराए जाते, वो जंप लगाएगा एक बार से दोबारा फिल्मों में नजर नहीं आएगा क्योंकि पानी का डीप है यहाँ पर 350 फीट, 350 विश्वासनी अंदर जाके देखे हीरो 48 घंटों में 00, दुबला पतला जाएगा मोटा होके आएगा, जो मोटा जाएगा वो वापस नहीं आएगा। एकदम टॉप पर देखो पत्थर की कार, हिंदी में लिखा राजकुमार, वो दो बैठे हैं वो पास दिख गया कार, कार नहीं दिखा भैया तो सामने देखो भाई साहब। हाँ हाँ मैं दिखा दूँ अपने ऑडियंस लोग को, दिख ही नहीं रहा बहुत दूर है, कार है पत्थर का चालू हो जाती है। ये देखो साइड पर गिरे हुए पत्थर, यहीं पर निकलते हैं मगरमच्छ, ज्यादा नहीं है, दो बड़े दो छोटे, मम्मी पापा दो बच्चे, वो भी हम दो हमारे दो, ज्यादा है तो फेंक दो। देख रहा है क्या मगरमच्छ, देखना हाँ देखना, दिखाओ ना इसको भी, देखना अपने बाजू वाले को उठा के फेंकना, फेंकना गोरे लोग को काले लोग को नहीं खाता। हम लोग बच गए, लोकेश तुम जाने वाले हो भाई साहब, पानी पे हाथ नहीं डालो हाथ गीला हो जाता। यार पानी तो ठंडो भी नहीं सकता है, गर्म है पानी नाना है। देख रहे हो कैसे कमेंट्री कर रहे हैं, आगे से पीछे ऊपर से नीचे, ये देखो ऊपर में मुंह है नीचे में पैर बैठा है नंदी बहन, थोड़ा सा इमेजिन आएगा नजर लेकर देखेगा पत्थर, फिर बोलते समझ गए तो हाट नहीं समझे मॉडल हाट, इन्हीं पहाड़ियों का नाम है घेड़ा घाट, घाट आप लोग भी अच्छा बोल देते। इस साइड देखो ये बना हुआ गुफा वो सामने पर, गुफा गुफा हाँ गुफा बना है, साधु जी आते कभी कभार तप करने के लिए, अभी तो सीट खाली वैकेंसी है जारी, इच्छा हो तो जा सकते हो, किनारे लगा देते बोर्ड धक्का मार के चढ़ा देते रोड, आना और जाना फ्री है, गिर गए तो बंजी रोड फ्री है। ये सामने टापू पर देखो दोबारा पे आ गए भोलेनाथ, एक बार फिर से जोड़ो हाथ, जो नहीं जोड़ता हाथ उनके बाहर निकल आते हैं दांत, इसलिए जो हो भोलेनाथ। गाइस देख लो कैसे कमेंट्री हो रही है, इसको तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में लेना चाहिए। सर मैडम अपना भी आ गया है लास्ट, और भी आगे चलना हो तो कर देंगे फास्ट। कर दो नहीं सर ऐसा नहीं होता है, क्या होता है बारिश टाइम पानी का जब प्रेशर पड़ता है जो गिरने वाला मार्बल होता है वो गिर जाता है बारिश में। हम पैदा नहीं हुए थे जी, बहुत का शूटिंग हुआ यहाँ पे, मोहन जोदाड़ अशोका देखा होगा, अशोका होटल यहाँ का गाना भाई सर रात का नशा आख से गया नहीं। ये सामने देखो बंदर कुंडी मंकी पॉइंट, पहले 12 फीट की दूरी थी, कूद गए थे बंदर, आजकल कूदेगा बंदर जाएगा पानी के अंदर, वही का मूवी है मोहन जोदाड़ो, 15 फीट का मगरमच्छ रहता है मगर को रेतक मारता है, बाकी तो डुप्लीकेट मगर था, सही का मगर होता रेतक भाई साहब का पता नहीं होता। ये बाजू पर देखो मार्बल का जूता बना है, ओल्टेल के आकार में बूट बना है, वाटर लेवल से सामने। सर मैडम निकाल लीजिए सामने का सीन, मेन सीन होता अपने देखने वाला एकदम वाइट मार्बल, कौन सा सामने सर।
भाई साहब नहीं बोलते हैं, भाई साहब केवल नाव चलाते हैं। शर्माती नहीं है? नहीं, उनका शादी हो गया, फैमिली साथ में, और जिसका फैमिली नहीं हो साथ में पूरी बाटल लाना हाथ में वो भी चलती है रात में। देखो बनाते हैं लंबा गाना गाते हम्मा हम्मा हट के बाद नाचती है पप्पू की अम्मा। पप्पू तो रही है ये चांदनी रात को रख लो लोकेश। क्या हुआ है, क्या होता है जो शरद पूर्णिमा आता है अक्टूबर के महीने में उस समय में बोटिंग चलाते हैं। एक बोट ये देखो दीवार पर काला काला स्टेचू बना हुआ, हाथ पैर सर काल भैरव है, उज्जैन में बड़ा भाई है, अगाड़ में छोटा भाई है। उज्जैन वाला तो ड्रिंक लेता है, ये खाते हैं नारियल पीते हैं दोनों भाई। फिर बोलते हैं जिसका बड़ा भाई हो शराबी छोटा पीले क्या है खराबी, बाकी तो कुछ लोग का पीना ही पीना होता है। दिन भर करते हैं काम, शाम को लेते हैं 700 ग्राम, फिर करते हैं आराम। पहले महाभारा राज कपूर नरगिस ने गाया था गाना, इस समय दोनों ऊपर रवाना, वही गा रहे गाना कच्चा बादाम। ये सामने देखना है नेचुरल टेम्पल, इसका देखो सैंपल, पानी की कटिंग, पत्थर की सेटिंग, क्रियल है फिटिंग। पहाड़ी देखना है, मंदिर खड़ा हुआ है ये सामने पर। अच्छा ये मंदिर है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बच्चे लोग नहीं आए घूमने वाले, ऊपर से कूदते हो तो 50 रुपए लेते हैं, जंप लगाते हैं 100 रुपए में सुसाइड वाले को रास्ता भी दिखा देते हैं। चलो बैठो इधर, यहाँ पर भी वैकेंसी है, जाना हो तो जा सकती है। ये वहाँ से टूटी के गिरे, हाँ गिर गया है मार्बल। यहाँ से ट्रेलर खत्म हो गया है, पिक्चर स्टार्ट जी। ये देखो ये है ओरिजिनल मार्बल, पेपर वाइट, वाइट पेपर वाइट, दोनों साइड बंटे ने मार्बल की हाइट, सेल्फी ले लो चारों साइड। कमेंट्री दे रहा है साहिल गाइड, साहिल गाइड जी। बैक साइड में देखना, 3 चेहरे 3 फेस, 3 हेड बने बाइक पर है सामने, वहाँ पास हाँ। एक, दो, वो है सामने, वो देख रहा है ना उस तो उधर फेसिंग में, हाँ पानी साइड है। ब्रह्मा विष्णु महेश पानी के अंदर डूबे गणेश, छुट्टी पे है रमेश, पोल चला रहा साइड पे दिनेश। ये बंदर कुंडी है, राम के जमाने में कूदे थे बंदर, आजकल कूदे का बंदर जाएगा पानी के अंदर अंदर, लास्ट गहराई 600 फीट है यहाँ पे 600। बैक साइड का शूटिंग अशोका करीना और शाहरुख खान, एक बजने वाली बोर्ड पे गाना होता है रात का ऐसा आग से गया नहीं, आई थी करीना 2003 मई का था महीना, तभी से लेकर रहा बोर्ड वालों का पसीना पसीना। करीना मैडम आई थी बोर्ड से, पब्लिक आई थी रोड से, एक लड़के ने ऊपर से बोला हाय करीना, पीछे से पुलिस वाले ने डंडा मारा बोला बाय करीना। एक नंबर बैकग्राउंड दिखाएंगे भाई, खाना तो ले लो रे, खाएंगे खाना नहीं नहीं इसको बोल रहा हूं। ये देखो गोल गोल गड्ढे बने हैं, हाथी के पैर हैं, अच्छा जमीन में चलता है ना गोल गोल गड्ढे के आकार, हाथी आगे दिखाते हैं हाथी भी आया था हाँ। ये नेचुरल वाटर कटिंग है, सब पानी ने काटा हुआ है, अच्छा ये पानी से कटा हुआ है। देखो सरबेटा बाजू पे देखो हाथी खड़ा है, हाथी के मुंह पानी पे सुड़ई वाला सेट ये वाले सामने का शूटिंग मोहन जोदाड़ो, यही का है वो मोहन जोदाड़ो जी, वो मगर के साथ फाइट इसी जगह का। वो मगरमच्छ मारा रात कहाँ गया, वो तो लकली था ले गया, मगरमच्छ मार के ले गया यहीं पे,
पानी आने के लिए रास्ता है, बोट जाने के लिए नहीं है। जगह का नाम है सड़क द्वार, वैकेंसी नहीं है वापस। इसके आगे जाएंगे कल सुबह अखबारों में आएंगे। अभी ये बैकग्राउंड निकालो, देखो रोड वगैरह नहीं आएगा, अच्छा सुने एकदम वाइट। अरे हमारी झोली के नीचे उतरना है यार, यहाँ जा रहा है। अच्छा तो लगा आप लोगों को? अच्छा लगा बेटा। ये बता दो ना, इसको अच्छा नहीं लगता ना उसको साइड में उतार देते हैं। किसी को न्यू भेड़ा घाट बोलते हैं, ऊपर में देखना है छतरी वगैरह पला हुआ, पिकनिक स्पॉट न्यू भेड़ा घाट। भरने वालों की संख्या हो गई है 460। देख लो जगह है खास, यहाँ से बहुत से केस हो जाते हैं सेल्फी के चक्कर में। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, बाकी नीचे। बोलती है लो पानी में आके मोबाइल ले लो। अभी आपकी रोड हमारी बोट, आना कभी सेकंड चांस, वेलकम टू भेड़ाघाट। आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम। रेवा बोट है 11 नंबर, सौरभ गाइड। अब बताया मैं भाई वो उसमें लटकाने के लिए अपने थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। सब मजाक के लिए, आप लोग को नहीं बतलाएंगे नहीं समझाएंगे तो बैठे बैठे हो जाओगे बोर। घर जाके कहोगे बोट वाले से ढोर कर दिया बोर। बताना और हंसाना मेरा काम है। क्या रोप पे है क्या? अरे यहाँ रोप पे नहीं है वो, नहीं नहीं वो इसका काम चल रहा है। सो गाइस, हम पंचवटी नौका विहार आए थे और यहाँ का हम बोटिंग का मज़ा लिया। बहुत ही अच्छा बोटिंग था का एक्सपीरियंस रहा। और वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा कमेंट्री कर रहे थे जो नाव चलाने वाले भैया थे, बहुत ही अच्छा बताए हमको। और बहुत ही अंदर तक ले गए थे, वहाँ पास जितने संगमरमर पर निकलते हैं पत्थर, वहाँ तक ले गए थे। और जो पहले आपको वीडियो में दिखाया था जो मैप, उसी के माध्यम से हम वहाँ गए थे। बहुत ही अच्छा रहा और आप भी यहाँ पास ज़रूर आइएगा। और ये बहुत ही अच्छा है और इस जगह का नाम है पंचवटी नौका विहार। और यहाँ टिकट है 100 रुपये, अगर थोड़ी और आगे डीप में जाएंगे आप लोग तो वहाँ का 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। और बहुत ही अच्छा रहा और ये देख सकते हैं नौका विहार है। और थोड़ी एक और लोकेशन में दिखाते हैं जो पीछे है, वहाँ पास और लेके चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग वहाँ पास गए थे, नौका विहार किए थे और थोड़ी आगे साइड आ गए हैं। यहाँ से नर्मदा नदी का विकराल रूप दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत तेज़ गति से बह रहा है। और उस साइड बोटिंग में ठहराव टाइप का पानी रहा तो बह नहीं रहा था, लेकिन बोटिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो आप यहाँ पास ज़रूर आइएगा। और हम काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए हैं और हमारे साथ कुछ फैमिली मेम्बर भी थे तो वो लोग भी बहुत इन्जॉय किए। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सकें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।